हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी पहली स्पॉन्सरशिप कैसे पा सकते हो, और वीडियो का एंड तक देखना। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्पॉन्सरशिप लेते हुए क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, अगर आप चाहो कि आपका एक फ्यूचर में स्टेबल ऑडियंस रहे और आपको इस बात का गिल्ट ना हो कि आपने शायद वो पहले स्पॉन्सरशिप ना की होती, या फिर किसी भी बकवास प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप मत करना। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पास हाल ही में ये एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे माइल्स वेब की तरफ से, और इन्होंने कहा कि हम आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं, आप अपने प्राइस बताओ। और थोड़ी बातचीत हुई, आपको यहाँ पर शो हो रही होगी सारी चैट, आप पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर आप स्लो मोशन में करके पढ़ सकते हो। तो यार आप पढ़ लेना अगर आपका इंटरेस्ट हो। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि बात हुई क्या थी। तो यार इन्होंने कहा था कि यार क्या आप हमारी वीडियो को स्पॉन्सर कर सकते हो। ऐसा इन्हें लगा कि मेरा एक अच्छा चैनल है, क्योंकि मैंने सब्सक्राइबर हाइड किए हुए हैं और मैंने एक होस्टिंगर का रिव्यू डाला था, तो इनको लगा कि वो रिव्यू पेड है, इसलिए इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करा उस वीडियो के थ्रू। तो यार आपको क्या करना है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको उस कैटेगरी की वीडियो ज़्यादा बनानी है, जिससे अगर कोई उन कंपनी का एम्प्लॉई या कोई भी बंदा देखता आपकी वीडियो को तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक कहीं का भी लिंक दे देना, जहाँ पे आप एक्टिव रहते हो और वो बंदे अगले बंदे आपको कांटेक्ट कर सके। तो यार ये तो बात होगी कि स्पॉन्सरशिप लेते कैसे हैं, और ये यार एक ही तरीका है स्पॉन्सरशिप लेने के, बहुत सारे तरीके और भी हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियो आ जाएगी। तो यार अब बात करते हैं कि स्पॉन्सरशिप लेते हुए गलतियां क्या क्या नहीं करनी है। तो यार आपको वही गलती नहीं करनी है जो पहले मैंने कर दी थी। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी कुछ बात हुई थी, यहाँ पे चैट आ रही होगी, और उसके हिसाब से डील डन हो चुकी थी स्पॉन्सरशिप की, और वीडियो भी बनानी थी। तो यार वीडियो बनानी थी, 2 दिन का टाइम मिला था, और उसके अंदर अंदर वीडियो बना के अपलोड करके प्राइवेट करके इनको लिंक सेंड करना था, और फिर ये अप्रूव करते। तो यार क्या हुआ, जब मैंने खुद रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ये जो माइल्स वेब है होस्टिंग कंपनी है, और इन्होंने सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं दी होस्टिंगर की। जैसे होस्टिंगर के अंदर आपको 24 आवर का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप कभी भी दिन में रात में कभी भी कॉल कर सकते हो, और आपको मनी बैक गारंटी मिलती है 30 डेज की। इसके अंदर भी आपको वही सब लिखा हुआ मिलेगा, और प्लान्स आपको बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताए हुए हैं। यार ये मैंने यूज की नहीं है, पर मैंने इसके 2-3 रिव्यू देखे थे, तो उससे मुझे पता लगा कि जो टॉप पे रिव्यूज आ रहे थे वो तो पेड थे, क्योंकि उन्होंने वीडियो में बताया था कि वीडियो स्पॉन्सर है। और एक रिव्यू था जो कि स्पॉन्सर नहीं था, उसने लाइव होस्टिंग को खरीद के और फिर उसने उसका रिव्यू किया था, और उसने लाइव वीडियो में दिखाया हुआ था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो यार वो वीडियो देखना, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि माइल्स वेब की होस्टिंग है जो, उसका जो डैशबोर्ड है वही ढंग से लोड नहीं होता। तो यार अब पता नहीं वो प्रॉब्लम 6 महीने पहले थी, मतलब वो वीडियो अपलोड हुए 6-7 महीने हो चुके हैं, तो शायद अब रिजोल्व हो चुकी होगी। तो यार यही सोच के मैंने माइल्स वेब वालों को, जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, उन पे मैसेज किया, आप चैट में देख सकते हो साइड में। तो यार उनका रिप्लाई आया ही नहीं। तो यार उनका 1 महीने बाद मुझे मैसेज आया कि उनके ऊपर कोई होंगे, उनके मैनेजर वगैरह, वो आपसे बात करेंगे, आपको जो भी इशू है होस्टिंग से रिलेटेड। और आप, मैंने उसे चैटिंग के दौरान बताया था कि मेरी वेबसाइट भी है, आप चेक कर सकते हो, लिंक यहाँ पर दिख रहे होंगे, आप सर्च कर सकते हो, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हो, वहां से भी डायरेक्ट आप वेबसाइट पर जा सकते हो। तो यार उन्होंने फिर ब्लॉग पोस्ट की बातें करनी स्टार्ट कर दी कि आप ब्लॉग पोस्ट डाल दो हमारी, ये कर दो। तो यार मैं बताऊं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगे कि आप जो स्पॉन्सर कर रहे हो चीज वो अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल भी मत करना, इससे आपके चैनल को इम्पैक्ट होगा और जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, अगर आपका कोई छोटा चैनल है तो। यार अगर कोई बड़ा चैनल भी ये गलती करता है तो उसको भी इसका पछतावा बाद में होता है, जैसे कि मनोज दे ने किया था। एक बार उसने किसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर दिया था, मतलब कोई बंदा था वो एप्लीकेशन बनाता था, उसका नंबर अपनी वीडियो के अंदर प्रमोट किया था। तो यार उसके बाद जो वो बंदा था, जो पर्सन था, वो फ्रॉड निकला, और उसको प्रमोट करने के लिए मनोज दे को बहुत गालियां पड़ी थी, और बहुत लोगों ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि मनोज दे फ्रॉड है। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी गलतियां सबसे हो जाती है, पर आप ये गलती मत करना। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप को और इंटरेस्ट है ऐसी वीडियोस देखने में, तो यार आप यहाँ पर कहीं 2 वीडियोस आ रही होंगी, उनमें से कोई वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।